चलो किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ उस्मान हाजी भाई, शुक्रिया सर। मेरे चैनल उस्मान भाई को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आया था फार्म में, इनकी बकरियाँ निकल गई थी और आज गर्मी सेक बहुत ज़्यादा है और दौड़ता दौड़ता मैं ऊपर से आया। मैंने कहा फिर बेचारे क्या खपते रहेंगे, तो मैं छोड़ा तो ये धान की फसल लग रही है। पीछे जी धान की फसल लग रही है और मैं आ चुका हूँ मस्जिद की तरफ। तो नफल आया था अदा करने के लिए नफल, और पीछे वो भी मैं बकरियाँ छोड़ने चले गया। गर्मी अखीर से ज़्यादा है। आज का माहौल चेक कर लें, काफ़ी गर्मी है। आज दिल नहीं किया व्लॉग बनाने का, तो शाम को इंशाल्लाह सबसे बाद बनाएंगे, क्योंकि अपलोड भी करना होता है सुबह फिर। अब अभी आ चुका हूँ मस्जिद में और चाचू मुन्ना दरिया तय कर रहे हैं इधर। अभी हम फटाफट से दरिया तय कर लेंगे। ये चाचू मुन्ना, चाचू मुन्ने और मैंने दरिया तय कर दी हैं। दो चाचू मुन्ने ने की हैं, दो तो बहन ने चाचू मुन्ने और चाचू मुन्ने के साथ जपी बहन छोकरी शार ले लें। अभी दरिया उठाते हैं और रखते हैं अंदर। सबसे पहले इधर से चाबी ले ली है, चाचू मुन्ने पकड़ाना। ये जी हमारी क्लास है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ये जनरेटर है, ये इसको नमाज पढ़ के दे के आते हैं सर्ट के लिए। ओ देखो लगा है। ओ गिरने लगा चाचू मुन्ने, गिर लगा। आज गर्मी चाचू मुन्ने बताए मुझे दे। आप दूसरी नहीं कितनी दादा। सूरज ग्रूब हो चुका है और अभी मैं आया हूँ फिर व्लॉग बनाने। तो असर से बाद मैं चले गया था नमाज पढ़ के, दस्ती निकल गया था मैं और मासी का जनरेटर था उसको छोड़ के आना था, उसको छोड़ा है और फिर चले गया था घर। घर जाके फिर मैं आया इधर गैन बल्ला शाल लगाई गैन भाजी पर और खेल के मैं इधर आ गया। और जो कल खेत खाली था ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें धान की फसल में यानी चावल की फसल लग चुकी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले दिन में सरप्राइज़ भी है, वो सरप्राइज़ मैं आपको बाद में बताऊँ या अभी बता दूँ। सूरज तो अभी बस ग्रूब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के 181 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और क्या नाम लिख रहे हैं उसको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें कल के दिन में, कल या परसों 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे फिर मैं आपको बताऊंगा सरप्राइज़ क्या है, या मेरा दिल किया मैं थंबनेल के ऊपर लगा दूंगा। तो चले मैं आपको बता ही देता हूँ, मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोबाइल चेंज करना है इंशाल्लाह। ये मोबाइल आईफोन XR है, आपका भाई जो लेगा वो लेगा आईफोन XS Max। आईफोन XR से आईफोन XS Max पे आएगा इंशाल्लाह। दो चार दिनों में इंशाल्लाह, चार या पाँच दिनों में इंशाल्लाह ले लूँगा इंशाल्लाह। ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। आज देखे दूर आए ना यहाँ पे मैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे भाई को एक कमेंट करना है कि इसको आईफोन XS Max ले दो। कमेंट में आपने ये भर देना है, भर देना, फुल भर देना कमेंट। और आपने ये कहना है बस इसको आईफोन XS Max इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्दी ही आईफोन XS Max लेंगे। आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। तो आज की व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। आज तो कोई ऐसा अच्छा कमेंट नहीं मिला, कॉन्टैक्ट नहीं मिला। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त और सदा खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें, दुआ में ज़रूर याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। अभी बस टाइम होने वाला है मगरब की अजान का, अभी अजान देंगे हम। और अस्सलामु अलैकुम व
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? वो दूसरा आया, उसको कजन मामू का और वो चाचा का बेटा। ठीक हो गया तो अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बादल जी इधर से आ चुके हैं बस अभी जी। बस ये ना वीडियो एंड करके मैं दस्ती अभी बस जाने लगा हूँ। मस्जिद आ जाओ पढ़ने में। इस पर अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान पढ़ना नहीं आज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कॉन्टैक्ट के साथ, अच्छे से कॉन्टैक्ट के साथ मिलेंगे। मैं बनाता हूँ वीडियो इसलिए बनाता हूँ अच्छी अच्छी ना, फिर व्यूज देने होते हैं ज़्यादा चैनल को, वो करना होता है मोनेटाइजेशन के लिए। कुछ मेहनत करनी पड़ती है पहले भी, बाद में भी करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता हूँ आपके लिए। अब सही मतलब मज़ा आता है आपको भी। तो बाय बाय टाटा सी यू। अभी खेत में गया ना, ये देखे पैरों के ऊपर मट्टी आ गई, ये चेक करें करिए। ये ज़मीन ना हमारे जो गांव के लंबरदार है ना उनकी है। ये सारा पीछे देख रहे हैं ना तकरीबन उनका ही है। ये ज़मीन है गवर्नमेंट की है, लेकिन ये मतलब काश इसमें गंदम होगी, चेरी वगैरह होगी, ऐसी चीज़ें ये काश करते हैं। बाय बाय।